हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं जिसमें आज हम फिर एक नया डिज़ाइन के साथ आए हैं। तो आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं एक क्या बोलते हैं इसे रस के पैकेट से, मतलब जो ये बेकरी वाले पैकेट रहते हैं, बिस्किट रस के रहते हैं ना, ये थोड़ा सा जो हार्ड टाइप के रहते हैं, इनसे हम आज एक नया डिज़ाइन बनाने वाले हैं और कुछ मैगी के पैकेट से भी। तो चलिए आज हम नई वीडियो की फिर से शुरुआत करते हैं। तो पहले हमें इसको वैसे ही काटना है, ये देखिए यहाँ से देखिए इसका पहले देख लीजिए, ये रहता है ना, ये देखिए ये इसका, तो हमें इसको काटना है, तो इसलिए यहाँ से हम काट लेंगे, ये जॉइंट है इसका, हम यहाँ से काट लेंगे। तो अब ये देखिए ये हो गया ऐसा बिल्कुल, ठीक है, जैसे ये आगे से है तो ये पूरा वैसा हो गया। चलिए इसको काट दिया, इसको भी वैसे ही काटना है जैसे हमें और चीज़ें काटते थे, वैसे ही छोटे छोटे पीसेस में। So viewers, आप देख सकते हैं कि हमने इसको काट दिया है ऐसे पीसेस में, ये देखिए। तो अब हमने इसको बल्कि इसके हमने चेन भी बना दिया, ये ऐसी वाली चेन, देखिए कैसे बनानी है चेन, आपको पता ही है कैसे बनानी है चेन, ये ऐसे डाल के इसके अंदर, ओके। सो ये चेन भी बन गई है। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, देख सकते हैं हमने इसको स्टार्ट करने के लिए, याद रखिए कि यहाँ पे हमें एक गांठ बांधनी होती है तभी तो स्टार्ट होगा। सो ये देखिए हमने यहाँ पर ये गांठ बांध दी है और अब हम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो ऐसे ही बनानी है जैसे ये चेन बनती है, ऐसे सिंपल चेन जो पहली वाली होती है, फिर आपको पता है उसके बाद हमें राउंड लेना होता है क्योंकि हम उसको गोल बनाएंगे, तो राउंड लेंगे फिर यहाँ से हम राउंड लेने लग जाएंगे ऐसे। ऐसा राउंड लेना है, देख सकते हैं हमने इसका एक राउंड बना दिया है। सो ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और अब ये इतना बन गया है। सो आपको भी ऐसे बनाना है, अब अगर आपको थोड़ा डाउट है कैसे करना है तो आप देख लीजिए। हाँ, लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ कि जब आप इसको काटेंगे तो प्लीज़ इसे पतला काटें क्योंकि ये प्लास्टिक हार्ड होता है, अगर आप मोटा काटेंगे तो ये नहीं बन पाएगा अच्छे से। सो इट मीन्स हम ये वाली स्ट्रिप्स है जो ये वाली स्ट्रिप्स ये पतली काटेंगे, ओके। सो ये देखिए कैसे बन गया। सो व्यूअर्स, आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि जब हमारा पहला राउंड पूरा हो जाएगा सो उसके बाद आप ध्यान रखना कि जो आप दूसरा राउंड स्टार्ट करोगे उसमें से आपको एक के अंदर से ही आपको दो फंदे निकालने, मीन्स आप देख सकते हैं ये है, इसके अंदर से हमने दो निकाले हैं, तो वैसे ही हमने इसके आगे से भी दो निकाले, मीन्स अभी तक तभी ये राउंड शेप अच्छा आएगा, ओके। सो प्लीज़ ध्यान रखना, हम आपको फिर बता दें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने आपको बताया ना कि दो वाली बात, तो ये देखिए यहाँ से हम यहाँ तक तो हम एक एक डाल रहे थे, इस वाले में देख लीजिए आप कि हमने यहाँ से दो डालना स्टार्ट कर दिया, इस वाले में दो है, फिर इस वाले में दो है, फिर यहाँ भी इस वाले जो ये वाला छेद है इसमें से हमें दो निकालने, और ये दो आपको बता दिया हमने किस लिए, क्योंकि तब हमने ये मतलब टोकरे नहीं बनाया, मतलब हमें टोकरी बनाया उसके लिए हमें फ्लैट बेस चाहिए, तो फ्लैट बेस बनेगा और अच्छा बेस बनेगा क्योंकि ये हार्ड प्लास्टिक है, इसीलिए हम यहाँ पे दो डाल रहे हैं, ओके। सो यहाँ से ये देखिए दो डाले हैं ना एक में, बस हम दूसरा छेद इसमें भी दो डाले हैं, बस ऐसे ही दो डाले, ओके। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमने अब मैगी का पैकेट लगा दिया, क्योंकि उसके बाद हम उसको बनाने के बाद जितना चौड़ा रखना है उतना चौड़ा रखना, उसको बनाने के बाद हम उसमें मैगी डालने वाले हैं, मतलब मैगी का बॉर्डर बनाने, क्योंकि वो सुंदर लगेगा तब तभी वो बाउल का शेप आएगा, ओके। सो ये मैगी का पैकेट है, तो हमने आपको बताया है ये वाली साइड हमें कैंची से काटनी है और ये वाली साइड हमें कैंची से काटनी है, और फिर हमें इसको काट कर ऐसे बनानी है, फिर हमें इसको काट कर ऐसे ये बनाने हैं और इसकी हमें चेन बनानी है, सो ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पैटर्न ये है कि ये देखो मैंने चेन बनाई है, मैंने बताया ना आपको, इसका पैटर्न ये है, देखिए कैसे इसको टाई अप करना है, मतलब कैसे इसको नॉट बांधनी है ऐसे, और ये ऐसे, और यहाँ से इसको डालना है अंदर, और ये ऐसे, तो ये ऐसा आ जाएगा, तो ऐसा हमें इसकी नॉट बांधनी है, ओके। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमने क्या, इसके बाद देखिए हमने इतना बनाया, हमें इतना ही चौड़ा रखना था, हम पे इससे ज़्यादा वो हो नहीं पाया, तो हम इतना चौड़ा रख रहे हैं, आपको इससे ज़्यादा चौड़ा रखना है, और तो हमने ये जो बचा था इसमें हमने ये पॉलीथीन को जोड़ दी, ये वाले प्लास्टिक को जोड़ दिया है, तो अब हम इसका बॉर्डर रहेंगे, तो मतलब ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा बहुत, तो अब हम इससे बना रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ओके। फ्रेंड्स, देखा हमने कहा था ना कि अब इसके बाद ये हम इसको डालेंगे तो ये बाउल के शेप में अपने आप आने लग जाएगा, ये देखिए हमने आपको बताया यहाँ से ये स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो ठीक है ऐसे ही हमें बनाना है, जैसे ये बाहर से ऐसा डिज़ाइन आएगा, ये देखिए ऐसा डिज़ाइन, तो अब आप इसको स्टार्ट कीजिए और ऐसे ही बनाते रहिए, जितना आपको बड़ा बनाना है उतना।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने आपको कहा था ना कि यहाँ से इसको बढ़ाना है और ये ऐसा लगेगा। फिर ये देखिए ये बाल फिर बस ये हमने इसलिए दिया, यहाँ से ये फ्लैट हो जाएगा। और जो हमने आपको पहले बताई थी वीडियो वो नीचे से थोड़ा सा कटिंग होता है, तो आप इसमें वैसे ज़रूरी नहीं है यही वाली पॉलीथीन यूज़ करनी है, आप जो नॉर्मल वाली पॉलीथीन जो हमारे पास मिलती है नॉर्मल सब्जी वगैरह की उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये हरा स्वाद ये थोड़ा सा हार्ड होती है इसलिए हम ये अच्छी रखते हैं। ठीक है तो ये देखिए ऐसा ये बाउल बनता जा रहा है और ये हमने मैगी बैग लगाए हैं। इसमें से आपको इसको जितना बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा बनाइएगा और देखिए कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स अब हम इसके बॉर्डर के आ गए। देखिए हमने ऐसी चीज़ों को यूज़ करा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। देखिए ये है हमारे चाय पत्ती का पैकेट, मीन्स हमने इसका पूरी चेन बना दी है। अब आप काटने का हमने आपको बताया कैसे काटना है वैसे काट लेना और चेन भी बना देना। ये हमारे चाय पत्ती का पैकेट है। फिर उसके बाद ये देखिए हमारे सर्फ का पैकेट है, मीन्स आप इसकी जगह कुछ भी पैकेट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। हमें ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा तो हमने यूज़ कर दिया। और ये जो तीसरा है ये हमारा नमक का पैकेट है, सही सच में ये नमक का पैकेट है। और फिर हमने यही पैटर्न बनाया, फिर से चाय पत्ती का पैकेट, फिर ये रिन उसका पैकेट है, सर्फ का पैकेट है, और फिर ये है हमारे चाय पत्ती का, फिर ऐसे चलना है। तो देखिए हमने ये पूरी चेन बना दिया और ये गोला बन गया। तो अब हम इससे उसमें बॉर्डर बनाने वाले हैं, इसमें हम इसके यहाँ से लगाएंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बनाइएगा और अब हम इस पर बॉर्डर बनाते हैं, देखने बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम इसके बॉर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने इसको इसमें जोड़ना है, ये लास्ट बचेगा तो इसको हम इसमें जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ना है इसको, इसीलिए हम गोले लगाते ताकि वो सरल पड़ जाता है जोड़ने के लिए। देखिए जुड़ गया, अब हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करें। तो मैंने आपको बोला था ना कि आप इसको जोड़ने के बाद से बनाएंगे, तो देखिए आप वाइब्रेंट कलर यूज़ करना, इसके अलावा अगर आपको कोई और कलर कॉम्बिनेशन होगा तो आप वो यूज़ कर लेना। लेकिन देखिए ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए ऐसे ही ये डिज़ाइन अपने आप आ जाएगा। हमने आपको बताया था कि हमने पैटर्न वाइज कलर करा था, बट कोई बात नहीं आप जैसा कलर जो मिलता है आप वो कर देना यूज़। देखिए अगर प्लीज़ हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और अगर कोई आपको उनसे कुछ पूछना है तो कमेंट भी कीजिएगा, प्लीज़ इसको ट्राई भी करना। तो देखिए हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए कैसा ये बन रहा है, सेम फ्रेंड्स आप देखिए कि अब हमने इस पर बॉर्डर भी पूरा बना दिया है। तो देखिए हमने जो ये अभी इतना ही छोटा बनाया है, इतना छोटा सा बाउल बनाया है, आपको जितना बड़ा बाउल बनाना बना सकते हैं। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप ये वाला है उसको थोड़ा बड़ा लेना और बड़ा लेंगे और ये अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। पर अभी और छोड़ गया और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये ख़त्म हो गया हमारा, और हमने देखिए ये वाले कलर्स लिए थे, आप कोई भी कलर्स ले सकते हैं इसमें, और आप इसको अपने शोकेस में सजा सकते हैं, अपने टेबल के ऊपर रख सकते हैं, इसमें मार्बल्स रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगेगा, आप ट्राई ज़रूर करना इसको। अभी हम इसको थोड़ा सा ख़त्म करके आपको फिर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने ये बना दिया है और ये देखिए ये कैसा लग रहा है। तो देखिए अब होली भी आ रही है, तो होली का अपने घर की डेकोरेशन कर सकते हैं ऐसा कुछ भी, ये होली के रंग का कलरफुल वाइब्रेंट कलर्स लेकर और उसके ऊपर ये अपने टेबल पर सजाकर। ये देखिए हमने इसके अंदर अभी ऐसे ही छोटा मोटा रखा है, बट आपको कुछ और भी रखना है आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये देखिए कैसा लग रहा है हमारा फाइनल में। तो ये देखिए ये इसका डिज़ाइन है जैसा मैंने आपको बताया था, और ये देखिए कैसा लग रहा है, प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करना और आपको ये बहुत पसंद आएगा और ये इतना भी कठिन नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसको प्लीज़ ट्राई करिएगा। थैंक यू, गुड बाय।